शेर अकेला ही आता है। सुपरस्टार रजनीकांत के वकील एस इलाम भारती ने अभिनेता के नाम, फोटो और उनकी आवाज का दुरुपयोग करने वालों को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में चेताया गया है कि एक्टर की पहचान, पब्लिसिटी और सेलिब्रिटी राइट्स का उल्लंघन करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। शनिवार को जारी किए गए नोटिस में कहा गया है, केवल रजनीकांत को ही अपनी पहचान, नाम, आवाज, फोटो समेत अन्य चीजों का इस्तेमाल करने का अधिकार है। नोटिस में कहा गया है कि सिर्फ रजनीकांत ही आवाज, नाम या इमेज का इस्तेमाल ना करने के लिए मना नहीं किया जा रहा, बल्कि दूसरे सितारों की नकल करने को भी उल्लंघन माना जाएगा। बिना सहमति के एक्टर की प्रतिष्ठा या व्यक्तित्व का इस्तेमाल करना उनके अधिकारों का उल्लंघन होगा और इससे उनको काफी नुकसान होगा, जिसका असर कई क्षेत्रों पर पड़ेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई होगी। इस नोट को मशहूर लेखक, स्तंभकार श्रीधर पिल्लई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इसमें भी कहा गया है कि कई प्लेटफॉर्म विज्ञापन बनाने वाले उनके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके जैसे चलने और बोलने की नकल भी उतारते हैं। यही नहीं, वे अपने उत्पादों को बेचने के लिए अभिनेता की फोटो, आवाज, कैरिकेचर फोटो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेज का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह भी करते हैं। थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत को उनके फैंस दक्षिण भारत में पूजते भी हैं। हर तीज त्योहार पर वहां उनके जबरा फैंस एक्टर की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी फिल्म के रिलीज पर उन्हें दूध चढ़ाते हैं और तमाम तरह के पकवानों का भोग भी लगाते हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है। नोटिस में इन सभी बातों का जिक्र करते हुए आगे कहा गया कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वालों और उनके व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने वालों की वजह से उनकी छवि खराब होगी। वर्क फ्रंट की बात करें तो रजनीकांत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म जेलर की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीप कुमार ने किया है और सन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा राम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया और शिव राजकुमार जैसे बड़े सितारे भी हैं। ये फिल्म 14 अप्रैल 2023 को रिलीज हो सकती है। पिछले साल रजनीकांत की फिल्म जेलर का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। इस तरह का एक फैसला अमिताभ बच्चन की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिया था। हिंदी सिनेमा के वयोवृद्ध अभिनेता ने दिल्ली उच्च न्यायालय से ये निवेदन करके ये आदेश जारी करवाया था कि उनके नाम, पहचान या आवाज कमर्शियल इस्तेमाल उनकी अनुमति के बिना ना किया जाए। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर उनकी तस्वीर लगाकर हो रहे फर्जीवाड़े पर उन्होंने कानून का सहारा लिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे उनकी तरफ से अदालत में पेश हुए थे।